अब बोलते हैं सरकार राशन देंगे, कोई राशन नहीं दे रहा, सिर्फ बोलते हैं कि राशन देंगे। और यहाँ राशन आता है 100 लोगों का, 500 लोगों को कैसे दिया जाए? उसी मजबूरी में जो राशन यहाँ आता है वो वापस चला जाता है, किसी को नहीं मिल पाता। क्या खाना मिल रहा है आपको? नहीं। क्या कितने टाइम खाना मिल जाता है? एक टाइम बस। अब कोई राशन लेने जाते हैं तो लाने भी नहीं देते, मारने स्टार्ट कर देते हैं। कोई गरीब आदमी जिसके दो चार बच्चे हैं वो तो भूखे ही मर जा रहा है बेचारा। बहुत परेशान है, कहीं से पैसे, इतना कहते हैं सरकार मदद करती, कहीं से एक पैसा नहीं जो हमारी कोई मदद कर दे। नमस्कार, मैं विशाल जसवाल, दवायर में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ कालंदी कुंज के सरन विहार इलाके में। बीते 24 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद वैसे तो देश भर के गरीबों पर एक खास तरह का संकट पैदा हुआ, उनके रोजगार, रहने खाने की व्यवस्था को लेकर। लेकिन अभी हम जिस सरन विहार इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर करीब 2000 शरणार्थी बसे हुए हैं। इसमें बिहार, बंगाल, यूपी से आने के अलावा म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं। यहाँ के लोगों को एक तो जिस हालात में ये रह रहे हैं, कैंपों में और झोपड़ियों में रह रहे हैं, उसके साथ साथ इनको खाने की भी बहुत समस्या है। यहाँ पर उनको दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं, पानी जो है उनको जो है नहीं मिल पा रहा है, और वो ढो ढोकर जो है दूर दूर से जो है ले आ रहे हैं और ख़रीद कर पानी ले आ रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन हालातों में यहाँ पर रह रहे हैं। तो क्या आप लोग यहाँ पर, अधिकतर लोग यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर ही होंगे, तो आप लोगों को जो है कि किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो बहुत लोगों को ऐसा, जैसे कि चार आदमी जा रहे हैं काम करने वाले हैं, रोज काम करने वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, वो कहाँ से घर चलाएंगे? आज तो आपने कह दिया कि चार बंदे मत जाओ, आज कहते हो कि एक बंदे मत जाओ। एक बंदे को तो घर से जाने दो, आप डंडा मारते हो, वो डर के मारे नहीं जाता कोई। और यहाँ राशन आता है 100 लोगों का, 500 लोगों को कैसे दिया जाए? उसी मजबूरी में जो राशन यहाँ आता है वो वापस चला जाता है, किसी को नहीं मिल पाता। ये है, हम भी किसी से कम नहीं, हमें भी राशन चाहिए, हमारा भी पेट है, दूसरे का भी राशन चाहिए, उसका भी पेट। इंसान यहाँ ऐसे लोग हैं जिसके पास आता है वो अपना यूज़ करता है, दूसरे के बारे में कम सोचता है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि यहाँ 4 डिवाइडर हैं रोड पार करने के लिए, जाने का पता है, आते समय कोई 4 आदमी पकड़ के उसको मार के फेंक दे, उसका कोई पता नहीं। राशन सबके लिए आता है, राशन की कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान को मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 4 मिलता है सबको है। और जो मजबूर है, जैसे कि अफाइज हो गया, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको तो बेशक हम लोग ढूंढ के दे देते हैं। हमारा जितना दिखता है इंसान मजबूर है, दिक्कत है, उसको तो हम उसके घर घर जाके, एक है एक महिलाएँ लड़की के ऐसी है यहाँ कि सबका देखभाल करती है वो, उसका नाम रोशनी है। यहाँ 200 या 100 पीस आने वाले थे, यहाँ 500 पीस आए थे सबको देने के लिए। वो इंसान कहते हैं ना कि भीड़ मत लगाओ, बीमारी इतना फैला हुआ है, वायरस चल रहा है, तो इसी जैसे इंसान आया देने के लिए वो वापस चला जाता है, उसको किसी को नहीं दे। आप लोग जैसे कि कूड़ा बीनते हैं, तो जो है कि अभी अभी कूड़ा आपका बिनना बंद हो गया होगा और वो जो बेचना बंद हो गया होगा, तो आप लोग बंद हो गया, बिनना भी बंद हो गया यहाँ पे, और कुछ करने का तो कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत जमा करके रखा था वही कहा नहीं, वो भी ख़त्म हो गया, अब क्या कहा, ऊपर वाला की भरोसा है। खाना होना यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भिजवाया जा रहा है, कुछ राशन पानी मिल रहा है आप लोगों को? राशन पानी तो नहीं मिल रहा अभी, कोई बच्चों को एक दो बार आया था, रोटी 2-3 रोटी लेके, थोड़ा सा सब्जी लेके बच्चों को बांटने के लिए आया था, ये देखे चला गया, और कुछ भी नहीं आया। आज बट गया, अब 2-4 दिन बाद बटेगा, उसके बाद बटना स्टार्ट, राशन आएगा, पुलिस वाले ही कहते हैं 1 किलोमीटर दूरी मनाओ, लगाते हैं तो जो किसके मुंह पे मास्क नहीं होता उस पर लट बजाने स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी माँ से पैसे लेने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, पुलिस वाले ने बुलाया कि कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे सर पैसे लेने जा रहे मम्मी से, तो कह रहे यहाँ नहीं पैसे नहीं, चलो घर भाग जाओ। हमारे 2-4 डंडे धरे, उसके बाद हम वापसी आ गए। आप लोगों को दवा मिल रही है MCD से? जो दवा आती है वो जो है लॉकडाउन होने के बाद आप लोगों को, जैसे कि MCD गाड़ी से दवा आती है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, 24 तारीख से पहले आता था, जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है कैसे, अगर सर्दी खांसी जुकाम या कुछ नॉर्मल बीमारी हो जा रही है तो आप लोग जो है फिर कैसे काम चला रहे हैं अपना? जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, उसके लिए भी पुलिस वाले मार रहे हैं, क्या करें,
बाहर निकलते हैं दवा सुई लेने के लिए तो पुलिस वाले मारते हैं, लठ बजाते हैं देखते के साथ में। जरूरी के लिए ही बस निकलने दे रही है, बाकी जो है नहीं निकलने दे रही। बाहर तो कोई जा ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे एक मेडिकल है, अंदर में दवा बेचते हैं, वो आते हैं, उनसे कोई ले लेता है, कोई शाहीन बाग चला जाता है। हमारा नाम राजू देवी। क्या दिक्कत है? हमारे गिर गए तो बदना बारिश भाई तो सोमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कर्जा करके दवाई लई है और काका आता ठीक नहीं है तबीयत हमारी, चला फिर आ जाता जैसे तैसे तो थोड़े टिक्के आए। इधर सुना मीडिया वाले आए तो हमारे घर में खाने को नहीं है, ले आते हैं लोग राशन देते नहीं, अपने अपने को देते हैं, हम राशन नहीं देते हैं। हम खटिया पर पड़े हैं तो एक एक को देंगे, एक को ना देंगे। और आपको आपको आप खाना खा रही हैं नहीं खा रही? खाना खा रहे हैं थोड़ा बहुत, कहूँ तुमसे मांग लो कहूँ दूसरे से मांग लिया, खा लिया। अभी हमारी पड़ोसने में खाना खिला के गई दो रोटी, कैसे खा लिया और क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी बिल टाए जाए तो हम कहीं चलाएंगे तो भीख तो मांगे लाएंगे, अब देखो लो ही ना तो भीख कहाँ मिलेगी। ये जो सरहंद विहार में जो बस्ती है, यहाँ पे लोगों को जो है खाना मुहैया करा रहे हैं जिनके, तो आप क्या कैसे कर रहे हैं जो ये खाना मुहैया करा रहे हैं? पहले दिन से हमने शुरुआत किया था, अपने घर से हमने चावल और सारे सामान ले करके हमने तहरी बनाई थी सिर्फ तीन परिवार के लिए, क्योंकि मंडे का दिन था, उस दिन सिर्फ तीन परिवार ही के लोग भूखे सोए हुए थे। तो हमने एक टारगेट बनाया कि मतलब अगर कॉलोनी में कोई भूखा सो रहा हो तो उसको हम सोने नहीं देंगे, हम उसको खिलाएंगे चाहे जहाँ से। तो हमारे कुछ दोस्त थे जो फंडिंग करना हमें शुरू किए और हमें सपोर्ट भी करना शुरू किए, तो इसलिए हमारा वो काम अभी तक रोज़ चलता है कंटिन्यू। आज की डेट में मैं 100 फैमिलीज़ को खाना पहुँचाने लगा हूँ और हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये कि 15 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक हम करते ही रहेंगे, और अगर 15 तारीख के बाद बढ़ता है तब भी हम आगे काम को करेंगे। पर हमारा एक ही मिशन है कि कोई जिसके घर चूल्हा नहीं जला होगा उसी को हम खाना दे रहे हैं। ऐसे दो एक फैमिलियाँ हुई कि जैसे हमारे पास कहीं से कोई दो चार किट राशन दे गया तो हमने उनके घर पहुंचा दिया, तो हमने उन्हें मना किया कि भैया आपके घर राशन पहुंच गया है, अब आप खाना लेने मत आइएगा, आप अपने घर पर बना के खाइए, जिस दिन आपके यहाँ राशन ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा आके हमारे पास से खाना लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है जो 250 झुग्गियों का है, इनमें से मैं 100 झुग्गी वालों को खाना रोज़ पहुंचाता हूं जिनके घर चूल्हा नहीं जानता। इसमें पब्लिक जो होती है टोटल मिला के बच्चे और बूढ़े, ये तकरीबन 400 लोग हो जाते हैं जिनको मैं रोज़ाना खाना मुहैया कराता हूं। ये खाना जो बाहर से आ रहा है, जो लोग बाहर से भिजवा रहे हैं, उसमें कौन से लोग भिजवा रहे हैं? सरकार की तरफ प्रशासन द्वारा राशन पानी आ रहा है? जी अभी तक तो मुझे ऐसा पता नहीं कि प्रशासन द्वारा आ रहा हो। सुनने में एक दिन आया था कि SDM ऑफिस से कुछ खाना आया है, और सरकार की तरफ से तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं यहीं रहता हूं। अगर कुछ SDM भिजवाएंगे तो सरकार की तरफ से भिजवाएंगे, SDM अपनी तरफ से नहीं भिजवाएंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रशासन में किसी की तरफ से, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, SDM, DM, किसी की तरफ से प्रशासन द्वारा खाना जो है भिजवाया जा रहा है? कितनी बार भिजवाया गया, कुछ आपको जानकारी है? दो बार हमें जानकारी है कि दो बार SDM ऑफिस से खाना आया है, और उसके बाद हमें कोई नॉलेज नहीं है कि मतलब सरकार। और रही बात दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पता है कि सिर्फ 8 मेंबर ऐसे कॉलोनी में हैं जिनको राशन दिया गया है, और वो 8 मेंबर वो थे जो इनके साथ इनके ऑफिसों में जा करके इनके ट्रक को लोड कर रहे थे, इनका काम कर रहे थे, उन 8 मेंबर को सिर्फ राशन दिया गया है। और रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का आदमी अभी तक ना कोई आया है, ना उसने किसी बंदे को राशन दिया है मेरे नॉलेज के हिसाब से। हाथ चुपके से किसी को बुला के दे दिया हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं है। आप जो है पानी लेके आ रहे हैं, कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं? आगे थोड़ा प्लांट है, थोड़ा कॉलोनी में, वहीं से लेके आते हैं। तो ये क्या पानी जो है खरीद के ला रहे हैं या फ्री का मिल रहा है? खरीद के। क्यों आपको पानी क्यों खरीदना पड़ा? क्या यहाँ पे टैंकर नहीं आता है? टैंकर तो आता था पहले, लोग भीड़ भाड़ करके ढंग से नहीं लेते थे, लड़ाई दंगा लूटपाट मचा देते थे, इसी वजह से वहाँ से लेना छोड़ दिया हमने। वैसे भी अब टैंकर लॉकडाउन की वजह से और ये शाहीन बाग में कर्फ्यू धरना चल रहा था उसके वजह से भी आ नहीं पाया था। तो यहाँ पे नल वगैरह तो होगा? नल तो है, उसका पानी ठीक नहीं आता है, उसका बर्तन धोने नहाने के लिए यूज़ कर लेते उसका पानी। बाकी जितने यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सब पानी लेके आते हैं बाहर से? हाँ, सब लेके आते हैं वहीं से खरीद कर। हाँ, पहले बेचने वाला आता था, वो आता नहीं है। कब से बेचने वाला नहीं आ रहा? ये तो हो गए उसे 5-6 महीने हो गए करीब। क्यों बेचने वाला क्यों नहीं आ रहा? पहले तो उसके साइन बाग के वैसे नहीं आते थे, धरना दे रखा था उसके वैसे नहीं आते थे, अब लॉकडाउन हो रहा उसके वैसे नहीं आ रहे। अब तो अभी घर में जैसे कि खाने पीने की क्या सुविधा है, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है, कोई सरकारी सुविधा नहीं आ पाती यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जो है खेत से कर लेते हैं खाने पीने का। तो कभी कभी कोई
प्राइवेट वाले बांटने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। हमें समस्या यही हो रहा, खाने पीने के लिए समस्या हो रही, हमारे बच्चे भूखे हैं, परेशानी है, यही समस्या सबसे ज़्यादा हो रहा हम लोग को। तो आप लोगों को जो है करें कि सरकार की तरफ से कोई राशन पानी की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हमारे सरकार की तरफ से कुछ नहीं व्यवस्था है। और कोई कोई एनजीओ वगैरह कुछ जो है मदद कर रहा हो आपकी? कुछ नहीं मदद, ये सैन बाग से थोड़ा बहुत मदद हो रहा है। आप कह रही हैं कि आप लोग जो है कुछ लोग जो है मदद कर दे रहे हैं, उससे जो है काम चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। क्या खाना मिल रहा है आपको? नहीं। क्या कितने टाइम खाना मिल जाता है? एक टाइम बस। भूख लगती है तो क्या करते हो? क्या करते हैं, सो जाते हैं रात को, सो जाते हैं हम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।